संत निरंकारी मिशन पिछले कई सालों से स्वर्गीय बाबा गुरबचन सिंह जी के शहीदी दिवस 24 अप्रैल को मानवता दिवस के रूप में मनाता आ रहा है और आज भी इस अवसर पर देश भर में अनेकों जगह रक्तदान शिविर लगाकर मानवता का संदेश देते हुए निरंकारी मिशन ने शहीदी दिवस मनाया। यह नजारा है दिल्ली के ब्राड़ी ग्राउंड का, जहाँ आज इस रक्तदान शिविर में सैकड़ों की संख्या में निरंकारी भक्तों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। वहीं इस अवसर पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मेरा नाम कृपा सागर है, मैं संत निरंकारी मिशन में प्रेस एवं मीडिया का प्रभारी हूँ। आज यहाँ एक विशाल रक्तदान शिविर हो रहा है। संसार जानता है कि आज के दिन 1980 को हमारे बाबा गुरबचन सिंह जी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और सन 1987 से लेकर ऐसे शिविर उनकी याद में और सैकड़ों अन्य शहीदों की याद में लगाए जा रहे हैं। ये शुरू में सिर्फ 24 अप्रैल को ही लगते थे और श्रद्धालु भक्त बड़े जोश के साथ इनमें भाग लेते थे, क्योंकि यहाँ तो हर अपने जो परोपकार का काम है भक्ति का अंग बन जाता है और इस अपने जोश को देखकर, इस रिस्पॉन्स को देखकर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से निवेदन किया कि ये जो है 24 अप्रैल को ही ना लगाकर ये गर्मी के मौसम में आप इनको स्टैगर कर दीजिए। तो क्योंकि गर्मी के मौसम में हर ब्लड बैंक में ब्लड की कमी होती है, बाबा जी ने उनकी ये रिक्वेस्ट मान ली और तब से ये 24 अप्रैल से शुरू होकर ये कैंप जो है सितंबर के अंत तक लगने शुरू। शादियाँ होती हैं।